खबर वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ थिंग्स आज एपिसोड जो है वो बहुत ही खास है वैसे तो मैं हर एपिसोड में ही कहता हूँ लेकिन आज वाली वाकई बहुत खास है बिकॉज ये भाई जो है एक तो ये इक्कीस साल के हैं ऊपर से ये इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा जो है डिप्रेशन में चला जाता हूँ कि मैं तीस साल का होकर क्या कर रहा हूँ बट मोर uh, इंट्रस्टिंगली ये खास लाहौर से आएँ फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट सो फर्स्ट ऑफ आल थैंक यू सो मच आई एम ऑनर्ड दैट यूर हेयर एंड आई एम ऑनर्ड दट यू ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम देयर खली खान साहब कैसे हैं आप बहुत शुक्रिया मुसमिन भाई आपने मुझे बुलाया फिर आई एम वेरी गुड एंड मतलब ये ये जो अपॉपर्चुनिटीज मुझे पता चलाना कि मतलब आपने कॉल की कि मैं आऊँ और मतलब किसी भी टाइम आऊँ तो मैंने कहा किसी टाइम नहीं भाई <laughs> इसी टाइम <ताँगे। laughs> इसी टाइम <ताँगे। laughs> नहीं थैंक यू सो मच एंड खलील हैज बीन सो ही बिन बीन फ्रीलांसिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन इसी के साथ साथ हीज़ ऑल्सोड बी एन टू बी एन बी एस इज इन हिज फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज दैट इज फंडिंग हिमसेल्फ माशाल्लाह और उसी के साथ साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि उन्होंने एक YouTube चैनल बनाया क्योंकि YouTube के कॉन्टेंट uh, के समंदर में बहुत सारा कंटेंट ऐसा तो बड़े आराम से हमें मिल जाता है कि प्रैंक्स मिल गए या कॉमेडी मिल गई या स्केचेस मिल गई इट्स ईजी सेल बट व्हाट यू डिड वाज बेसिकली यू you took a step back and you said you know i have a skill and i'm going to teach that skill free of cost to people and somehow that resonated with a lot of people as well and you have 132000 subscribers now yeah. uh, you've gotten videos just 2.5 lakh 3 lakh views but easy hai. Um, and and there's very real value like acha maine ye bhi dekha na jab videos kholi to suna, सुनने के बाद मैंने ना लाइक्स का रेशो देखा कि होता क्या है कभी बार क्लिक बेट पर आते जाते हैं yeah. लोग फिर डिसलाइक करके चले जाते हैं क्या वा आज टाइम ज़्यादा क्या बिल्कुल सो पीपल एक्चुअली जेनुअनली यू नो लर्न स्टफ़ फ्राम दैट एंड पीपल ऑल्सो जेन्यूनली लाइक उनकी लाइफ इतनी बदली कि मुझे पता है कि मैंने आज अभी स्टोरी uh, भी नहीं डाली थी अरुणा शाह आपने डाली थी या क्या हुआ था मैंने सिर्फ एक हिंट दिया था इस्लामाबाद योर जर्नी बिन लाइक इन दल फ्री लांसिंग स्पेस या सो बेसिकली मेरी जो फ्री लांसिंग जर्नी है वो तो आज से मतलब चार को साल पहले शुरू हुई थी इन इन टू थाउजेंड सो फॉर अ ईयर और सो तो मैं उसको ऐसे ही एक साइड पॉकेट मनी टाइप एक वो होता है ना कैफ़े में समोसे खाने के लिए चाहिए मैंने कहा ये पैसे भी बन रहे हैं यार चलो और ऐसे यही होता है ना फ्री लांसिंग और क्या होती है तो मैंने कहा चलो ठीक है अच्छा शुगर मेला लगा हुआ है एंड आई डिड दैट फॉर अ ईयर और सो एंड हाउ डू गेट टू इट एक्चुअली स्टार्टेड सर उससे भी एक साल पहले जाना पड़ेगा उसके लिए टू थाउजेंड सिक्सटीन में आई वॉन्टेड टू बी अ राइटर ओके सो मतलब ये मेरा uh, एक समझे लाइफ पैशन ख्वाब था बुक पब्लिश करनी है ठीक है जैसे में यह था कि राइटर्स ये करते हैं बुक पब्लिश करते हैं तो मैंने ऐसे अपने अबू को बुलाया और उनको कहा कि एक दिन क्या आपने मुझे क्या एम की लाइन में लगाया हुआ है मैं तो राइटर बनना चाहता था तो बड़ा ऐसे रोके थ्री एडियट्स वाले सीन में सारा और मैंने उनको समझाया तो उन्होंने उस टाइम पर एक बात की जो आज तक मेरे साथ बड़ी रेजिनेट करती है और मैं लोगों को भी ये बात कहता हूँ कि बेटा दिल आर सेटन करिए जिसके लिए आपको एक डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है दैट्स जस्ट स्किल बेस्ड या एंड देन यू मे नीड सम कॉन्टैक्ट्स राइट तो हमारे कुछ वैसे पब्लिशिंग वगैरह में कॉन्टैक्ट्स थे लोकली सो ही सेट कि मैं

एन आई डे अच्छा पब्लिशर्स को भेजना है तो मैंने पब्लिशर्स को भेजा धड़ाधड़ धड़ाधड़ रहते हैं ट्वेंटी पब्लिशर्स को भेजा किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया अच्छा सो so, uh, वहाँ से फिर लाइक आहिस्ता आहिस्ताइटिंग एंड देन यू नो सम्रेंड स्टोर में क्या रही फ्री लांसिंग कुछ होता है एंड mm. uh, मैंने कहा कि अच्छा मैं भी चेक करता हूँ उन्होंने कहा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो मैं वहाँ गया मैंने देखा भाई आवाम है यहाँ पे मतलब लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग ग्रुप्स में ज्वन हैं सो um, so यहाँ से मतलब मेरा एक एक स्टार्ट मैंने लिया एंड मतलब उसके एक बेसिक यही थी कि लिखना अच्छा आता था बिकॉज प्रैक्टिस आए रहा उसमें इतनी लिख लिख के हो गई सो so वहाँ से मैंने उसको शुरू किया एंड देन आई आई कैपट फॉर अ कपल मोर यर्स आफ्टर दैट और uh, मतलब आई आई गॉट सम रियली गुड अपरचुनिटीज़ I would say luck uh, is a big part in mm. every successful person's life. I wouldn't say I'm successful, no, but whatever little success I've had. Right. To, um, I, I had and some I think, so I have to. Sorry, I think luck ka element definitely exists. But sata I would not discount the fact that you actually wrote a 60,000 word novel before you were even thinking about freelancing. And then you probably sort of. पॉलिश दैट स्किल गैन एंड गैन एंड गैन बिफोर यू able to मेक दैट मनी होता क्या है अनफर्चुनेटली हम सोशल मीडिया पर कॉन्टेंट देखते हैं तो हमारा ना होता कि इन भाई ने कर लिया मैंने आज तक कुछ लिखा नहीं है लेकिन लिखना कितना ही मुश्किल होता है स्कूल में ऐसे तो मैं लिखता ही हूँ तो यू नो मैं भी फ्री लांसिंग कर लूँ मैं देर इज दैट सर्टन लेवल ऑफ स्किल बिल्डिंग जो आपको रिक्वायर्ड होती है बिफोर यू कैन स्टार्ट मोनिटाइजिंग योर करियर और एनी थिंग राइट दैट इज राइट सो so, या um, uh, yeah, मैंने फिर uh, इस तरह किया कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ मैनेजर एट ए कंपनी इन द यू एस लाइक फिलान्स पोजिशन और uh, वहाँ से मतलब ये हुआ कि uh, मतलब मैं आपको प्रोग्रेशन बताना चाह रहा हूँ ऑफ द स्किल क्योंकि अभी तक ये था कि बस लिखना आता था सो so वहाँ से कुछ मतलब अपरचुनिटी uh, ऐसी मिली कि कुछ एस वेबसाइट्स किस तरह चलती हैं

Uh, लिखना तो इजी है बट यूजर क्या पढ़ना चाहता है exactly. उसके अराउंड लिखा exactly. जाए। बेसिक uh, right. so uh, एलिमेंट पे हम काम कर रहे थे एंड सो वी अ टीम ऑफ आई थिंक हाईएस्ट लेवल पे 15 राइटर्स थे मेरी टीम में एक uh, एक पॉइंट पे और मतलब ऐसे था कि वी यूज्ड टू पब्लिश टू 100 आर्टिकल्स Uh, और मतलब वो 100 वो 100 आर्टिकल्स सारे मैंने एडिट करने होते थे मतलब अपने भी लिखने होते थे और लोगों के एडिट करके भी पोस्ट करने होते थे सो इट्स जस्ट कितनी वो एक चीज़ आप जब रिपीट करते है उसके बाद फिर, exactly. और फिर बन exactly, exactly. say, पहले आप एक चीज दूर से बाहर बैठे देख रहे हो Mm. But this is a different kind of opportunity up on the back end of a website. And then you're seeing people come in and and the views come and yeah. you know okay, this is how it actually worked. Yeah. Like, and sort of gratification. view yeah. oh, like, yeah, oh my God. Like exactly. people are reading my words. Exactly. You exactly. know what's going on. Because it, even though it's not my website, like I now have my own websites, right. But was website, manager, but still like the gratification that came from it. <laughs> and you know, just checking over. traffic and all. So nice. um, that, um, दैट वॉज राउंड अबाउट द टाइम जब मैंने ये डिसाइड किया टीच पीपल एज अच्छा तो आई अगेन स्टार्ट एड ऑफ स्मॉल मैंने स्टार्ट में यह किया कि आई क्रिएटेड दिस ई बुक और मतलब सिम्पल सा होता वर्ड में कुछ भी लिखे पी डी एफ मेंट कर e एक ई बुक लिखी विच वाउ टू मेक एय थाउजेंड डॉलर फ्री लांस राइटर राइट right. और uh, वो मैंने इन दीज फ्री लांसिंग फेसबुक ग्रुप्स मैंने उसको मार्केट uh, करना शुरू किया इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट इट इज़ स्टिल फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक फिफ्टी थाउजेंड पीपल हैव रेड दी बुक सो उसमें ये था कि आई आई गेव दम दिस प्रोग्रेशन कि भाई ऐसे ऐसे ये ये करना है आपने एंड एंड सो पीपल स्टार्ट टू रिकगनाइज़ मी Right. मतलब इन इन फ्रीलांसिंग फेसबुक ग्रुप्स में आप आज भी जाएं तो आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कहेंगे यार हमने इसको तब देखा था जब इसको कोई नहीं जानता था और ये ah. ऐसे पोस्ट किया करता था एंड आपको अभी भी वो पोस्ट मिल जाएगी right. तो uh, मैंने एक, uh, एक एक, सीरीज शुरू की थी एंड एंड आई थिंक आई आई पोस्टेड टेन इलेवन पोस्ट इन इन सिक्वेंस इन फेसबुक ग्रुप्स के अंदर राइट सो उसके बाद मतलब जब लोग ज्यादा हुए एंड इट ब्रॉट विद फ्यू अदर प्रॉब्लम्स कि मतलब मेरे कॉन्टेंट की ओनरशिप कोई नहीं थी मेरी राइट इट वॉज कम्पलीटली डिपेंडेंट ऑन दी फेसबुक ग्रुप ओनर्स एडमिन मॉडरेटर्स कि मतलब एक मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल उसका मैं कहता था हेल्पिंग पोस्ट तो हेल्पिंग पोस्ट थ्री एक्सेप्ट हो गई हेल्पिंग पोस्ट फोर नहीं हुई और फिर फाइव हो गई

दैट अ लॉड ऑफ पीपल मिस ऑन 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 द कॉन्टेंट साइड ऑफ थिंग्स कि वो कहते हैं कि यार बस हर बंदा हमें आगे लाइक कर लें yeah. हालांकि अगर आप स्टार्ट आइडेंटिफाई कर लें कि यू नो दिस इज माई टागर मुझे मैं ऑनस्टली तो बताता हूँ मुझे उस दिन एक मैसेज आया बड़े एक अच्छे भाई थे उन्होंने कहा उन्होंने मेरी स्क्रीन शॉट ली उन्होंने टिकटॉक वाली बहन की स्क्रीन शॉट ली उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको तो डिप्रेशन नहीं, नहीं होती कि वो टिकट वाली बहन कितने व्यूज हैं और आप कितने व्यूज हैं तो उन्होंने कहीं बोला मैंने कहा देखें पहली बात तो यह है कि आई डो वॉन्ट टू मैं किसी पॉइंट पर यह नहीं कहूँगा कि मैं बेहतर कॉन्टेंट कर रहा हूँ और बेहतर कॉन्टेंट नहीं कर रही मेरा जॉनरा एक है उनका जॉनरा एक है और उस उनका जो जॉनरा है उसकी रिक्वायरमेंट है और उसकी रिक्वायरमेंट में उनकी टारगेट डेमोग्राफिक बहुत बड़ी हो जाती है yeah. मेरे जॉनरा में मेरी एक पटिकुलर टारगेट डेमोग्राफिक है और मैं उस पर प्रॉबली आई एम सैटिस्फाइड क्योंकि आई नो के यार मैं पंद्रह सेकेंड की एक टिकटॉक बनाना आप दिन में पचास देखोगे yeah. मैं देख रहा था ऑलमोस्ट uh, जो यू एस का एवरेज टीन है ना वो दिन में ढाई सौ टिकटॉक्स कंज्यूम कर रहा है

पाँच लाख व्यूज़ नहीं आ रहे yeah. तो मैं तो कभी भी ये नहीं करूँगा एक्जैक्टली सो 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 ये आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात की बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स वी मिस दैट एंड एंड आई थिंक इट्स इट्स फैसिनेटिंग कि आपने उस टाइम स्टार्ट पे ही आपने yeah. ये चीज़ आइडेंटिफाई yeah. कर ली हुई थी अपनी टारगेट डेमोग्राफिक टारगेटेट एक्चुअली इसी तरह का वाक्य मेरे साथ हुआ रीसेंटली सब्सक्राइबर फॉलो है डी एम डी मी एंड ही इज़ लाइक अनिल भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैंने आपकी आ, आपने जो सिखाया मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया मुझे उसके ये रिजल्ट्स मिले हैं थैंक यू सो मच

ऑल दो आई न्यू कि ये कॉन्टेंट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ दिस इज़ फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फ्री लांस राइटिंग जो कि मैं करता हूँ जो मेरी हैसियत है एंड बट आई रियली डिडेंट नो कि कहाँ के फ्री लांस राइटर्स ठीक है सो माई कॉन्टेंट वॉज अ

But it right. was that with every passing video, the graph was going down. Right. And the first video had we 100 views, the video had 60, then 30, 20, and I remember that the last video, hai, which actually in the future blew up, was I got 10 views. At what, wrote, what was the title of the video? Uh, how I make uh, one lakh rupees per month as a freelance writer in Pakistan. It, it has. Uh,

and uh, with freelancing and then uh, ye Medi medical it, it just didn't make sense ki main project ko continue karta rahu uh, and then काफी financial pressure bhi atank se aaya because ab pehle to paise ban rahe the lekin aise bank mein jae ja rahe the <laughs> bad ab <wo> lag rahe <laughs> right 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 So right, right. uh, I, I took the decision kya nahi lekin fir uske baad teen teen baad video it, it just exploded Achha, i want to I wanna know um, what, what happened like,

वो भी नहीं वो मेरा तो ये हिसाब था कि तीन दिन बाद एक व्यू आ जाता था कोई का वो भी पता नहीं अम्मी बैठी देख के बेटे के कोई व्यूज़ बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं सो बट अचानक से मुझे नोटिफिकेशन आई जा रही आई जा रही आई जा कह रही यार माशाल्लाह यार ये वीडियो चलना शुरू इतनी हाँ. तो सारी रिसर्च की थी ना यूट्यूब पर यूट्यूब स्टार्ट्स शोइंग वीडियोस टू पीपल एंड देन बेस्ड ऑफ दे रिएक्शन टू दैट वीडियो इट्स इट शोज़ मोर पीपल मैं शायद उनको पसंद आ रही है यार शायद इस पर कोई मुझे कुछ सौ व्यूज़ आ जाएँ फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई ऑडियंस बने देखो क्या बनता है एंड इट जस्ट गोइंग अप अप वो होता है ना आप, आपके आपके दिमाग में आपने एक एक थ्रेश रखा होता है कि यहाँ तक जाएगा यार तो, अच्छा अभी ये हफ्ता अच्छा चल रहा है अब ये वाली वीडियो बैठना शुरू हो जाएगी तो अब मैं अगले exactly, का कुछ सोच लेता हूँ एक्जैक्टली exactly, मैं यही सोची जा रहा कि अच्छा अब आएगा नीचे अब आएगा अब आएगा अब आएगा और वो हर दिन ऊपर जाई जा रहा जाई जा रहा जाई जा रहा रहा जाई जा एंड इट इट लिटरली लाइक मैं कॉलेज जा रहा हूँ और मेरे सीनियर्स मुझे बुला रहे हैं ओए तू है ना तू <laughs> <laughs> ही है ना हाँ मेरे YouTube होम पेज पर आ रहा था तू <laughs> <laughs> मैं कहा भाई मैं ही हूँ तो या सो इट वचुनेट इवेंट है और किस्मत भी कुछ आप समझें कि टेन वीडियोज थी नाइन इंग्लिश में थी एक hmm. उर्दू में थी, that's, that's, that's well, जो के आपको पे नजर आ yeah. गया uh, के हम, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग yeah. uh, चीजें सीखना जानते हैं सेल्फ इनक्रेडिबली पावरफुल टूल एज वेल राइट वो जाते हैं वो गूगल uh, करते जाते हैं सीखते जाते हैं और आगे जाते जाते हैं और फिर वो देखते हैं जब वो सीख लेते हैं ना वो कहते हैं यार, मेरे लिए इतना आसान था तो ये तो कोई भी सीख सकता है इफेक्टिवली राइट right? अगर मैं फॉर एग्जांपल चार ब्लॉग्स पढ़ कर एक चीज सीख सकता हूँ तो मुझे वही चीज़ रिक्यूरेट कर कर आगे थ्रो करने की क्या जरूरत है बट एक्चुअल जो वैक्यूम है ना वो है ट्रांसलेटेड uh, क्यूरेशन yep. कि आपने सीखा आपने उसमें से फिगर आउट किया कि क्या चीज़ें मेरी यूटिलिटी की थी क्या चीज़ें फारिग थी उसको आपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया बिकॉज अब जो ऑडियंस आ रही है खासकर पाकिस्तान और उर्दू की अगर बात करें तो उसमें तो पाकिस्तान उर्दू हिंदी और वो पूरा साइड निकल जाता थोड़ा है। बहुत बांग्लादेश आ जाता है सर बंगलादेश सो वो जो ऑडियंस है वो नहीं देर नॉट नेटिवली इंग्लिश स्पीकिंग और उनके लिए वो जो पूरी इंसाइक्लोपीडिया ऑफ कंटेंट इन इंग्लिश पढ़ा हुआ है उसकी यूटिलिटी है कि वो सारा ट्रांसलेट होकर लोकलाइज होकर लोगों yeah. तक पहुंचा जाए या yeah. और इसमें मतलब मेरा थॉट प्रोसेस उस टाइम पे ये था कि यार अगर एक बंदा इंग्लिश hmm. में राइटर बनना चाहता है प्रोफेशनली मुझे समझ नहीं आती है कि फिर इसको इंग्लिश क्यों समझ नहीं आएगी हाँ मेक सेंस तो मैंने इस हिसाब से कहा कि देन वाई एम आई लिमिटिंग माई ऑडियंस देर इज़ नो नीड टू लिमिट द ऑडियंस अगर मैं एक चीज़ इंग्लिश में सिखा रहा हूँ और एक बंदा इंग्लिश में लिखना चाह रहा है तो उसको वो चीज़ समझ आनी चाहिए फिर बट विद टाइम आई ऑल्सो स्टार्टे टू रियलाइज़ के क्योंकि मैं भी खुद नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं हूँ अलहमदिल्ला इंग्लिश में बिल्कुल ठीक बोल रहा था कभी इंडियंस के साथ कोई पॉडकास्ट वगैरह पे होता हूँ तो मतलब वहाँ पे तो कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे बोलते ही इंग्लिश हैं uh -huh. तो आई हैव टू कीप दैट इन माइंड तो मैं इंग्लिश में ही उनसे बात कर रहा होता था बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ उतने अच्छे तरीके yeah. से जिस तरह मैं इस पॉडकास्ट पे कर रहा हूँ अब आई एम एक्टिवली वर्किंग ऑन दिस खास तौर पर इंस्टा पे ये कोशिश करता हूँ बिकॉज आई आई थिंक एवरी प्लेटफॉर्म हैज Its own type of right, मैं अपनी साथ बारे में जान लेते हैं, हैं अच्छा बंदा है यार तो 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 होता है ना आप बड़ी पढ़ी लिखी बात करते हैं पूरी बात करने के बाद खड़े होतेमेंट आते हैं पहले आप कहते हैं पूछेगा की आपने जो ये बात की थी इसके ऊपर तनकीद सर आपकी जैकेट बहुत अच्छी है <laughs> <laughs> जैकेट <कहां> से ली है जस्ट लाइक भाई मेरी बात के बारे में कुछ पूछ लो मुझसे आके बट या एब्सोटली लाइक प्लेटफॉर्म्स की वो डिफ्रेंस है आपने उर्दू वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग की एंड दिस इज समथिंग आई वंडर एज वेल जैसे ह्यूज पॉपुलेशन मैं अगर देखता हूँ एक्सप्रेस फॉर एक्जाम्पल एक्सप्रेस उर्दू के ऊपर प्रॉब्ली थ्री मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे वही एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर सात लाख फॉलोअर्स होंगे तो क्लियरली पाकिस्तान में एक डेमोग्राफिक डिफरेंस है कि यू नो ऑडियंस जो उर्दू उर्दू स्पीकिंग उर्दू राइटिंग एंड देन कंज्यूमिंग वाली जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है बिल्कुल बट ऑबियसली नेटिवली मैं जो है वो इंग्लिश में ही गूगल करता हूँ इंग्लिश yeah. में ही वो करता हूँ क्या गूगल में जो लोग उर्दू में ब्लॉग्स लिख रहे हैं उर्दू yeah. में जनरली व्हाट्सएप करते हैं वो गूगल भी उर्दू में करते हैं yeah. और अगर वो करते हैं तो क्या अलग्रिदम्स वर्क इन अ सिमिलर वे दूसरा सवाल एंड देन तीसरा सवाल कि क्या उर्दू की एस के अराउंड फिर काम हो रहा है या नहीं सो so, बेसिकली uh, सबसे पहली चीज़ तो समझने के लिए ये है कि हम एस करते क्यों हैं एस हम इसलिए करते हैं कि यार लोग आएंगे कॉन्टेंट पढ़ेंगे उससे हमें पैसे मिलेंगे सो so, थोड़ा सा अगर आप इसको ना फर्दर एक्सप्लेन कर सकें कि एस सी ओ है क्या मतलब वट इज़ इट स्टैंड फॉर ठीक है फॉर फॉर ऑडियंस टू थोड़ ऑफ अंडरस्टैंड कि यार ये साइंस है क्या हाँ सो so ये एस सी ओ स्टैंड फॉर सर्च एंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि आपने अपने कॉन्टेंट को आपकी वेबसाइट के कॉन्टेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है कि वो गूगल पे रैंक हो सके इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ से right. मैंने एक ब्लॉग पोस्ट लिखी है ठीक like, uh, cool, uh, है ठीक है। सो आई कि अगर किस कोई बंदा ये आर्टिकल पढ़ रहा है और इसके बारे में वो गूगल कर रहा है तो वो क्या करेगा गूगल राइट right. मेरा लैपटॉप yeah. है खराब हो गया मैं कह रहा यार ही, ओवर ही तो हाँ. मैं गूगल पे जाऊंगा Issue, <laughs> fix. Ah, exactly, exactly, exactly. So, ये जो आपने चीज़ सर्च की है ना इसको हम कहते हैं की ठीक है ठीक है सो वट वी डू इज हम इन की के हिसाब से अपना कॉन्टेंट ऑप्टिमाइज करते हैं जिसमें बहुत सी चीजें हैं इंक्लूडिंग हम इन वर्ड्स को कोशिश करते हैं कि यूज करें इनको ब्लॉग पोस्ट के टाइटल में इस्तेमाल करें काफी अदर, इसके अंदर और चीजें हैं मैं उन right. में नहीं जाऊंगा सो दिस और सारी की सारी सो सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन की बेसिक्स ये हैं नाउ द थिंग इज़ के uh, ये ऐसी इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है क्योंकि दिस इज़ फ्री ट्रैफिक नंबर वन नंबर टू दिस इज़ डिपेंडेबल ट्रैफिक आप तो uh, इतनी देर से सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं सो आपने वो सारा प्रोग्रेशन फेसबुक का शुरू से आज तक देखा होगा एक टाइम mm. था वन आपके मैंगोबाज लो वग़ैरह इनके आर्टिकल्स शेयर हुए मिलते थे इनके पेज पर पे, और आवाम पढ़ती थी ठीक है अवाम पागलों की तरह पढ़ती थी कि और वो कंटेंट भी इस तरह का लिखते थे कि जरा ऐसी तीली लगा के निकल जाना और कमेंट्स में लोगों ने पागल हो जाना अब आपको वो नजर नहीं आएगा क्यों नहीं नजर आएगा बिकॉज फेसबुक एलग्रिजम ने उसको पुश करना छोड़ दिया राइट अब वीडियो बेस्ड कॉन्टेंट वो पुश करते हैं सो दैट्स फॉर इट्स इंस्टा पे कभी भी डिपेंडेबल नहीं था क्यों? क्योंकि एक है है आपके पास और ऐसा कि भी पे मोस्ट पीपल डोंट गो देर दे एक्चुअली सो so, मतलब कि ये डिपेंडेबल ट्रैफिक नहीं है ऑन दी अदर हैंड गूगल ट्रैफिक डिपेंडेबल रही है थ्रू uh, आउट uh, इसकी हिस्ट्री फ्यूचर uh, में क्या होगा इसका कुछ नहीं कहा जा सकता बिकॉज ये भी बोरोड ट्रैफिक ही है बोरो ट्रैफिक है बट आई थिंक जो 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 मोडिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है फेसबुक वॉन्ट्स टू बिकम द किंग ऑफ द इंटायर इंटरनेट सो वन दे आर ऑन फेसबुक दे डोंट वॉन्ट यू जंपिंग टू अदर प्लेटफॉर्म

एंड सो दैट मीन्स के लेट्स ए मुजम्मिल हसन की एक प्रोडक्ट एक है और मुजम्मिल कहता है कि यार खलील ये प्रोडक्ट ना बीस रुपये की है ये तुम ना अपनी वेबसाइट पे रेकमेंड कर दो और हर प्रोडक्ट जो बिकेगी ना उस पर मैं तुम्हें पाँच रुपये दूंगा ठीक है ठीक है सो दिस इज कॉल्ड अफिलियट मार्केटिंग राइट अब पहले ये होता था इसके लिए क्या जरूरत क्या है कि ये कोई बंदा मेरी वेबसाइट पे आए हा, हा, आएगा तो खरीदेगा ना अब इशू क्या पड़ रहा है कि पहले वन यूज टू सर्च ना ये बेस्ट जैसे थे और फिर आप वहां से खरीद लेते थे बट hmm. um, अब क्या हो रहा है कि अब गूगल सर्च रिजल्ट शो कर रहा है प्रोडक्ट अच्छे उन्होंने ये <laughs>

हमारा <laughs> इनिशियल जो सवाल था राइट 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 कि पाकिस्तानी अगर कोई ऑडियंस है या उर्दू रीडिंग uh, या राइटिंग ऑडियंस है तो uh, उसमें क्या स्कोप है अगर आप लिखना चाहें कुछ सो दिंग इज़ के हम क्या चाह रहे हैं कि यार पैसे कमाए। mm. इसलिए तो हमने एक वेबसाइट बनाई है राइट द इशू इज़ के देर सिस थिंग कॉल्ड और सिंप्लीफाई कर देता तो, हूँ एड रेट्स होते हैं ठीक है विच डिपेंड ऑन डीमोग्राफिक्स राइट और डीमोग्राफिक्स क्या है कि भाई ये ये यू से है व्यूअर ये पाकिस्तान से व्यूअर है इस व्यूअर की एज है यार छब्बीस साल इस व्यूअर की एज है सतारह साल सो वट इज जितना ज़्यादा मोटे वॉलेट वाला होगा ना आपका व्यूअर

यू कैन मेक ट्वेंटी dollars twenty five dollars, for a Pakistan based audience, probably less than one dollar. Right. So मतलब ये भी नहीं है कि कहें यार कोई नहीं यार थोड़ा सा ही कम है ना

या ये तो मैंने देखा था मेरा ऑफ़ टेरा डेटा इज न्यू वर्ल्ड के नाम से एपिसोड थी एंड बेसिकली क्योंकि वो डेटा रिलेटेड थी तो उस पर एड्स कौन से चल रहे हैं जी एस का चल रहा है आई का चल रहा है और वो क्योंकि आई और एस जिस तरह के लोगों को टारगेट करती है वो उतनी थोड़ी है ऑडियंस कि अनफॉर्चुनेटली उनको मिलती नहीं है तो बिडिंग के ऊपर वो प्राइज़ ज्यादा होती है और yeah. वो मैंने देखा कि जी लिटरली वो प्रपोर्शन ही आउट था yeah. अच्छा इवन नॉट जस्ट दिस Uh, uh, कुछ एपिसोड्स है मेरी जो कि पर्टिकुलरली खातन ज्यादा देखती हैं सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट जहाँ पर खुतन ज्यादा देख रही हैं वहाँ एड रेट्स आउट हुए हैं क्योंकि mm -hmm. खुतन बैठ रही हैं देख रही हैं ड्रामे yeah. अब वो ड्रामे देख रही हैं तो वो तीन तीन घंटे यूट्यूब कर रही हैं तो उनके एड्स स्टार्ट में ही सारे एग्जॉस्ट mm -hmm. हो चुके होते हैं सप्लाई करव बहुत ही आउट है पाकिस्तान yeah, के अंदर सोफिटली बड़ी वेरिएशन तो बहुत ज्यादा होती है सॉरी Uh, हम फिर इस बात पे रहे थे कि um, हम बात कर रहे थे उर्दू कंटेंट की उर्दू कंटेंट की और क्यों यू नो प्राइसिंग आउट होती है सो बेसिकली उसमें ये है कि आप जब भी वन एवर यूर क्रिएटिंग अ ब्लॉग और अ वेबसाइट ठीक है ये हम उस केस में बात कर रहे हैं कि आपका अपना प्रोजेक्ट है आप कहते हैं यार मैं ये एक बिज़नेस ऑनलाइन बिजनेस ही होता है एक वेबसाइट मैं ये खड़ा कर रहा हूँ और मतलब इसके थ्रू मैं पैसे कमाऊंगा एंड सो देर इज गोइंग टू बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज गोइंग टू बी इवाल्व्ड जो आप वो कॉन्टेंट लिख रहे हैं या लिखवा रहे हैं अगर खुद लिख रहे हैं तो आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट है अगर लिखवा रहे हैं तो पैसे की इन्वेस्टमेंट है राइट right. और uh, मतलब जनरली स्पीकिंग है इट्स इट्स एटलीस्ट कैन टेक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ कुछ थोड़ा बहुत एक कॉन्टेंट uh, लगाने के लिए वहाँ पर एंड इट कुड गो अप टू इजिली टू लाख थ्री लाख सो अब ये है कि मतलब यू हैव टू लुक एट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट राइट और अगर आपको वो रिटर्न ही नहीं आ रहा एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू जस्ट लिटरली चेंज द लैंग्वेज ऑफ योर कॉन्टेंट

Up, uh, up, you know, लाइक्स और व्यूज़ की बेसिस के ऊपर अगर आप मार्केटिंग करेंगे तो इट्स ऑफ राइट इट हैज़ टू बी डेटा ड्रिवन इट हैज टू बी की जी वो जो पहले बात हुई कि डेमोग्राफिक डिफरेंट होती है एक एंटरटेनर फॉर एग्जाम्पल हैज अ मिलियन व्यूज बट हो सकता तो है तेरह साल के बच्चे देख रहे हो जो कि कुछ yeah. खरीद नहीं सकते ऑनलाइन yeah, yeah. uh, तो वो चीज़ ये तो हम ये बड़ा हम कहते रहते हैं इसके ऊपर पुश करते हैं कि यू नो इट हैज टू बी मोर डेटा ड्रिवन क्योंकि जिन जो एक्चुअली एक, एक नीच पे काम कर रहे हैं जो एक इन्फ्लुएंस बिल्ड कर रहे हैं उसके अराउंड वो होना चाहिए और फिर इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है फिलिट मार्केटिंग के अंदर कि अभी

जो मेरा इंटेग्रिटी एंड ट्रस्ट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा बी एबल टू मूव मोर प्रोडक्ट्स अराउंड। रहा सो पाकिस्तान में तो एफिलियेट का इज मेजर प्रॉब्लम आई डू सी इन ट्वेंटी मैंने पहले भी ये बात बोली थी कि 2021 के अंदर एफिलियेट इज गोइंग टू ब्लो अप इन पाकिस्तान बिकॉज दर इज वर्किंग ऑन इट सम मेजर वेरी मेजर बिग प्लेयर्स आर वर्किंग ऑन इट तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली वो छोटे वाले फिर वो यू नो फॉलो कर yeah. लेते yeah. हैं बट यस अभी अभी तक अभी तक उस तरह से नहीं है सो yeah. so, वो वो भी आपका एक आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि वो भी नहीं होना सो दैट बेसिकली आपको इन अदर वर्ड्स मैं आपको बता दूँ योर अर्निंग इज गोइंग टू बी इन फ्रैक्शन वॉट यू अर्निंग वुड बी फॉर इंग्लिश कॉन्टेंट सो आपको ट्रैफिक मिल जाएगी ठीक है ट्रैफिक है उर्दू सर्च करने वाली फॉर श्योर sure. अब आप उस ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे बुला के फिर आपने मोनेटाइज किस तरह करना है फिर उस पर आपको थोड़ा दिमाग हड़ाना पड़ेगा Right. उस आप अपनी प्रोडक्ट लगा लें डिजिटल प्रोडक्ट लगा लें क्या लगा लें वो फिर आपकी अपनी वेट थोड़ा सा आपको इनोवेट करना है लाइक आप कॉपी पेस्ट yeah. नहीं कर सकते अमेरिकन मॉडल एंड आई थिंक अलॉट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान जो कि उस तरह से मुझे लगता है कि ग्रो नहीं कर पाए जो उर्दू पॉइंट हो गया या इस yeah. तरह के प्लेटफॉर्म्स हो गए उनकी ग़लत यही थी कि वो एडसेंस पर लॉन्गस्टेक्टली एडसेंस इज द ऑफ द लो या मतलब मैं अब जब लोगों को ब्लॉगिंग वगैरह सिखाता हूँ मीडिया पर अपने तो लॉट ऑफ पीपल आर लाइक भाई एडसेंस अप्रूव होने में कितना टाइम लगेगा uh, भाई कितनी ट्रैफिक पे हो जाएगा भाई कितने व्यूज़ पे कितने पैसे बनते हैं और ये सारा कुछ एंड आई टेल दम नंबर वन आई डोंट यूज़ एडसेंस आई यूज़ प्रीमियम एड नेटवर्क उनकी right. कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं ठीक है अब जो एक मिनिमम भी आपको चाहिए वो इजो है एंड uh, उनकी रिक्वायरमेंट्स है दस हज़ार पेज व्यूज़ पर मंथ की बट right. उसमें ये होता है कि मतलब आप तीन हजार पे खुद सकते हैं कुछ जरा मतलब अगर मैं इजो एक पे हूँ और आपकी वेबसाइट है आपका यार खलील जरा रेफर कर देना तो मैं अपने अकाउंट मैनेजर को रेफर कर दूँ एंड तरीके निकल आते हैं उसके बट दे चेक्स वो करते हैं एंड ऑल सो आपको मिनिमम वहां तक पहुँचेंगे तो इट विल बी वर्थ इट ठीक right. है उससे पहले एडसेंस के रेट्स जस्ट आर एंड एनी वे क्लोज दो डॉलर एंड आई शिफ्ट टूम उसी सेम वेबसाइट पे मुझे आ रहे हैं तेरह डॉलर चौदह डॉर कुछ भी नहीं चेंज हुआ वही कॉन्टेंट है वही ऑडियंस है सब कुछ सेम है उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं बिकेंस इज मोर ऑफ लाइक यूरोन यूरोन आपने खुद ही एड्स वगैरह लगानी है

Obviously, it's becoming a big question mark, particularly at the time of COVID. Uh, overall, eight uh, time to tha ki jab you know brands pulled out cash. Yeah. And then the, the, the numbers just sort of nosedived. Um, and a lot of people were looking at how to sort of monetize in different inno innovative ways. If I talk content creator side, people start? merchandising A lot of now, even we're now looking to get into we how can we sort of make courses around that and teach those skills. I was actually going to talk about this off-camera with you after. <laughs> yeah, no, <you>. no, <laughs> <laughs> but actually that's just one of the things that we're actually looking, looking at as well because a lot of people ask us, to yeah. sort of user-driven. Yeah.

क्योंकि जब आप पैसा ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम ब्रांड्स एंड फ्रॉम थर्ड पार्टीज तो आपको कंटेंट में अप एंड डाउन करना पड़ेगा करना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल एंड बिकॉज देर इज सो मच अप एंड डाउन इन द कंटेंट कि नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक गोइंग टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म्स लाइक पेट्री ऑन देर गोइंग टूवर्ड्स प्लेटफॉर्म जो कि जो है ना कंज्यूमर से डायरेक्ट डॉलर डारे ले लें महीने का ठीक है yeah. लेकिन कम अज कम वो बनते बनते वो आप कम अज़ कम फोकस कर सकते हो अपने कॉन्टेंट के ऊपर एंड इफ यू गुड गिविंग गुड कॉन्टेंट एंड यू हैव लाइक अ पर्टिकुलर ऑडियंस जो कि आपको डॉलर महीने का दे रही है तो आप कम अज कम इतना निकाल सकते हो कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट एंड वो सारा का सारा जो है वो चलता रहे और आपका महीने के जो आपका सस्टेनेबल इनकम चाहिए वो भी चलती रहे तो यस डेफिनेटली लाइक मोनेटाइजेशन अगर लोग अभी तक एडसेंस पे फंसे हुए हैं ना तो देर लाइक लुकिंग एट द रॉन्ग इंडस्ट्री टू बी ऑनस्ट बिल्कुल इन इनफैक्ट एक एक चीज़ मैं पिछले दिन एक और भी क्रिएटर को कह रहा था ये I told him आई यार when you create content मतलब मेरा भी कुछ paid content है I right. have a paid course ठीक है uh, and वो वही चीज़ें हैं जो कि YouTube पे हैं just that वो वीडियो जो मैंने दस मिनट की बनाई है ना YouTube पे hmm. अब वो एक घंटे की क्लास है पूरी उस पेड कोर्स के अंदर ठीक right. है और कुछ जगहों पे वो दस पंद्रह मिनट की वीडियो थी YouTube पे और तीन क्लासें हैं जो है जो घंटे घंटे की क्लासेज जा रही हैं इसके अंदर सो uh. so, ये थिंग इज के यू टीचिंग समथिंग ना yeah. हम यूट्यूब पे जब कॉन्टेंट बना रहे होते हैं ना चाहते हुए ना चाहते हुए वी ऑलवेज यार इसका एनालिटिक्स पे क्या फर्क पड़ेगा हम्म mm, रिटेंशन पे क्या फर्क exactly पड़ेगा रिटेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारे चैनल ही डेड हो गए uh, तो इट डिफीट्स द पर्पस या एब्सोल्युटली सो वी हैव टू कीप दिस इन माइंड कि कंटेंट लोग क्या देखना चाह रहे हैं hmm. कौन सी चीज को देख के कोई क्लिक करेगा बिकॉज़ लॉट ऑफ टाइम्स आई वांट टू क्रिएट कंटेंट बट आई नो कि कोई बंदा एक्टिवली ये चीज़ सर्च नहीं कर रहा ऑल दो मुझे पता है बीइंग वेयर आई एम इसके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इनफैक्ट hmm. अगर मैं इसको ये पाँच मिनट की चीज़ भी समझा दूँ ना तो ये जिस पॉइंट पे करियर में इसका करियर ही बदल जाएगा सो वट so ये जो क्लोज डोर्स वाली ऑडियंस uh, होती है ना बिहाइंड पेड डोर्स आप कह लो दैट इज़ लाइक मैंने पिछले दिनों भी एक पॉडकास्ट पर ये बात कही थी कि आप समझे कि अगर आप नॉर्मल यूट्यूब पर कॉन्टेंट बना रहे हैं तो आप बाहर एक ग्राउंड में खड़े हैं और ग्राउंड में लाखों लोग हैं और वहाँ पे हजारों क्रिएटर्स हैं और सारे ऐसे चीखें रहे हैं मेरे पास आओ मेरे पास आओ यार मेरी बात सुनो यार मेरा कंटेंट अच्छा है बात सुनो एंड एंड देन जो जितना बंदा इकट्ठा कर लेता है वो कर लेता है एंड देन आपको इकट्ठा करता भी है तो इतने में वो भी चीख रहा है तो वो हाँ, फिर जा भी हाँ, रहे हैं तो फिर चला जाता है बट वैन यू हैव लाइक पेड प्रोडक्ट एक प्रीमियम प्रोडक्ट सो बट हैपन इज के आप ऐसे समझें जैसे आप वही लोग जो आपने इकट्ठे किए थे ना उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि यार यहाँ शोर बड़ा है ऐसा करते हैं अंदर कमरे में चल आराम से गुफ्तु करते हैं तो उसमें से दस बंदा अंदर आके कमरे में बैठ गया uh. और अब एक गेम जो है ना वो डिफरेंट हो गई क्योंकि अब मैं आपको वो कॉन्टेंट बना के दे सकता हूँ और उस चीज के बारे में बात कर सकता हूँ जो कि आप बाहर नहीं सुनना चाहते थे लेकिन मुझे पता आपको उसकी जरूरत बहुत है

हो सकता है उसको hmm. कि उसको अंग्रेजी आती ना आपने सिखाया था क्या अंग्रेजी से उसमें कुछ सर्टन hmm. ऑडियंस है जो कि मजीद सीखना चाहती है तो वो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेगी yeah. वो कहेगी कि यार अच्छा इस बंदे ने और भी छोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा है तो मैं उसको फॉलो करता हूँ उसमें से एक सर्टन ऑडियंस है जो कि कहेगी कि yeah, यार अच्छा मैं इसका पेड कोर्स लेके आई कैन आई सी दिस थ्रू एंड एल सीड दिसट्स वॉट यूर प्रीमियम आउट ऑफ हंड्रेड थाउजेंड लेट से जो आपके प्रीमियम टू हंड्रेड पीपल है एंड मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है ना वो सीख दिस पर और वो ये कहता है कि आपको हजारों लाखों फैंस नहीं चाहिए आपको बस आई डोट नो दैक्ट नंबर बट लाइक बहुत थोड़े से आपको फेथफुल फैंस चाहिए डेट रियली रेजोनेट विद यू दैट लाइक यूर वर्क और फ्यूचर इसी के अंदर है आई uh, बिलीव mm. uh, के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आहिस्ता आहिस्ता प्रॉबेबली इसी साइड पर जाएगी कि इट इट्स नॉट अबाउट दूपर फिगर लिखा आ रहा है कि इतने लाख फॉलोअर या इतने लाख सब्सक्राइबर बट इट्स अबाउट कितने लोग एक्चुअली आपका कॉन्टेंट जो है वो किस चीज के बारे में देखते yeah. हैं फैशन वीडियो वन डे इन दैक्ट डे यू टॉकट अ सेल फोन है मैं आज ही पढ़ा था ट्वेंटी ट्वेंटी मार्केटिंग और उन्होंने ये कहा था कि माइक्रो इसर नीच बेस्ड माइक्रो इन्फ्लुएंसर पाँच हज़ार बंदा है लेकिन वो बातें करता है पौधों की तो जो पौधों वाला ब्रांड है कोविड में कितने पौधों वाले ब्रांड्स आ गए थे घर पर भेज रहे थे आपको उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम किस को भेजें कि लोग जो है ना वो ऑर्डर करें हालांकि एंड उसके वक्त रिक्वायरमेंट थी अगर एक बंदा जो है वो बैठ के सुबह शाम से बताता कि यार ये वाला ये पौधा है और ये वाला ये पौधा है दिस इज समथिंग जो मैं इतनी दफ़ा बोलता हूँ मुझे अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोगों को पता है कोई चैनल मुझे भेज दें मुझे बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता कि exactly. पौधों के बारे में कोई मुझे बता दे कि इस्लामाबाद के क्लाइमेट में कौन सा पौधा है जिसका क्या नाम है वो कैसे चलेगा क्या होगा एंड दैट्स जस्ट वन थिंग लाइक हम लोग कहते हैं मुझे आके कंटेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान में सैचुरेट हो होगी मैं तो कहता हूँ शुरू ही नहीं किया अभी बिल्कुल बिल्कुल सेम ये, <laughs> ये बात मैं लोगों को कहता हूँ कि द थिंग इज के पाकिस्तान uh, के अंदर ना आई फील लाइक कंटेंट इंडस्ट्री जो है ना वो एक लूप में चलती जा रही है वो उसी सर्कल में सारे भागे जा रहे हैं एंड जो नए कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं दे आर सीइंग वही सर्कल और वही लूप और वही लोग और वही कंटेंट शक्ल बदली जा रही है एज डो ने जो सेज के शक्ल बदलती जा रही है बट कंटेंट सेम ही है व्लॉग सबका सेम ही है सो सो द थिंग इज के uh, इससे बाहर भी चीजें आई एम नॉट से ब्लॉगिंग बुरी है बट ऑफन ब्लॉग के अंदर भी जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करे कोई ब्लॉग क्रिएट करें सो वी हैव टू कम अप विद अ नीश और yeah. हम उस नीच के बारे में बात करते हैं और yeah. ये पौधों वाली नीच बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं इट्स वेरी एंड एंड फाइनेंशियली वायबल सो हम क्या करते हैं कि यार हम हर चीज के बारे में बात नहीं करते हैं भाई मुझे ये आता है मेरे से आके ये सीख लो और कई लोग कहते हैं यार मुझे ये भी नहीं आता भाई मैं कर रहा हूँ ठीक है जो मैं कर रहा हूँ ना वो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि यार, ये, ये अगर उससे कुछ सीख सकते हो सीख लो हाँ वो कहता ना यार क्या नाम है उसका पैटफलिन पैटफल पैटफल इज एक अफिलियट मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा नाम है एस पी आई उसकी पॉडकास्ट है सो उसने क्या किया कि वन ही स्टार्टड ऑफ ना ही टू थाउजेंड एट जब वो एक रिसेशन था और सो टू थाउजेंड एट में उसने शुरू किया सो इट वजन ऑफ द वेरी फ्यू वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने ये काम शुरू किया था फिर सिखाना शुरू किया सो ही यूजली सेज के यू डोंट नीट टू बी एन एक्सपर्ट इन समथिंग ठीक है देर इज इस्ट अप्रोच Okay. के यार ये मुझे आता है और ये मैं सिखा रहा हूँ ये इसका तरीका है अप्रोच के यार मैं ये लिव कर रहा हूँ ये मेरी रियलिटी है मैं सीख रहा ठीक ah, है ah, और ah, सीखते सीखते मैं ये कर रहा हूँ और ये मेरी गलतियां थी ठीक है गलतियां भी बताई ah, ये मैंने सीखा और ये तो मुझे पता ही नहीं था ऐसे होता है मैंने किसी गुरु से नहीं सीखा था लेकिन यार मैंने ऐसे करके ट्राई करते हैं ये, ये चीज चल गई है ग्रो करता देखती है नाट इज गेट इन फर्स्ट से भीज दस हज़ार घंटे वाली बात जो बड़ी एक मशहूर है आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो uh, ये चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ योर ब्लॉगिंग इफ यूर इंस्टा इन्फ्लुसिंग यू नीड टू बी गोइंग इन अ डायरेक्शन वे यूर ट्राइंग टू अक्वायर एंड एक्सपर्टीज ये तो एक बेसिक गोल्स विदाउट से आप एक हवा में खेल रहे हैं ना कि बस मैं एक yeah. आम आदमी हूँ और मैं आम आदमी रहना चाहता हूँ और मैं अपनी लाइफ शेयर कर रहा हूँ पीपल फ्रेम इट एज आई बट दैट्स वीपल एसपील है ये yeah. जो जो सोशल मीडिया है ना कि आप वट एवर यू एसपायर टू बी फॉलो दैट बट ट्रेन ऑफ थाट में लूज कर गया आप इससे पहले क्या बात बोली थी हमने बात की थी अबाउट ये अपना नीच के बारे में बात कर रहे थे पर्टिकुलरली के आ, और ये कि अगर आप सिर्फ ऐसे कह रहे हैं कि मैं आम आदमी हूँ हाँ सो अफेक्टिवली आपकी जो जो जो, जो नीच वाली आपने बात बोली कि एक किसी हर इंसान के पास एक पर्टिकुलर नीच होनी चाहिए इंस्टाग्राम का भी यही है कि वो नीच होनी चाहिए लेकिन आट ऑफ टाइम्स वाट पीपल डू है कि वो कहते हैं है भाई मैं तो किसी मेरे अंदर तो कोई एक्सपर्टीज़ ही मैं क्या करूँगा मैं उनका कहीं कह रहा था कि यार कोशिश तो करना शुरू करूँ ना लाइक मसला ये होता है येस यू माइट नॉट गेट इंस्टेंट सक्सेस एंड दैट्स दैट्स गोइंग टू बी ट्रू कि आपने साठ हज़ार वर्ड्स का नोवेल लिखा yeah. और किसी पब्लिशर ने नहीं उठाया yeah. उसके बाद आपने मल्टीपल जगहों पर ट्राई किया होगा आपको नहीं मिले होंगे पचास डॉलर सौ डॉलर पाँच सौ डॉलर आपने एक्सप्लोर किया एक्सप्लोर किया एक्सप्लोर किया और एक टाइम आया आपने इतना आपने कहा कि जी मैंने पहले साल ये सीखा अगले साल ये सीखा तीसरे साल ये सीखा एंड दैट्स डट्स द वैल्यू ऑफ स्टार्टेड कमिंग एंड 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 यू बिकेम एन एक्सपर्ट एंड देन दैट एक्सपर्टीज हेल्प यू पे द बिल्स एंड वट एवर सो वो जो जर्नी है वो वो फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है जैसा आपने पहले कहा कि एंड एंड पीपल लव दैट एज वेल एक टाइम पे इंस्टाग्राम पे बड़े मशहूर हुए थे रिच किड्स ऑफ दुबई एंड यूएई एंड वो सारे के सारे के वो शेयर होते थे और वो गाड़ियाँ होती थी एंड पीपल सॉर्ट ऑफ गॉट ओवर दैट वेरी वेरी क्विकली Yeah. Because the fact is de that <laughs> 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 yeah. Whereas if you actually see someone with a with a meheran, and you mm. see that guy getting a, yeah. a a Corolla, and then you see that same guy getting a Kia Sportage and now you're thinking, you know, if that guy can do it, I can do it as well. And that sort of drives mm -hmm. you to, yeah. to hustle and 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 do whatever you want. And it, again, it's kind of toxic positivity yeah. element we discussed that But I want to switch the conversation now a bit. You're 21 right now. Yeah. Uh, and that's Generation Z, effectively. 21 means what? 99 1999. 19, Wow. <laughs> I feel old. Um, but Generation Z. is very interesting note And forgive me if I'm wrong, correct me if I'm wrong, but uh they are, as a generation, they are much more critical. Um, as a generation, they are much more ready to ask questions. Um, they're ready to डिफाई द नॉर्म्स एंड ये चीज़ आई थिंक जो अगर मैं अपनी जनरेशन को देखूँ जो आई वॉज लाइक टेल द मेलनियल्स तो मिले के अंदर भी ये स्टार्ट हो गई हुई थी कि दे स्टार्ट फाइटिंग विद पेरेंट्स बट ऑन अर्टन लेवल वो फाइट करते थे अपने पेरेंट्स कहते थे बदतमीजी ना करो हालांकि वो फाइट क्या करते थे वो बेसिकली काउंटर आर्गूमेंट देते थे कि आपकी बात इतनी कोई लॉजिक नहीं बना रही लेकिन कहते थे बदतमी तुमने मेरे से बात ही होगी सो बट ये होता था कि वो यू नो काउंटर आर्ग्यूमेंट देते थे उनको डांट पीटती थी वो सेट हो जाते थे कुछ उसमें आउटलायर्स थे जो कि आपको नजर आए कि जिन्होंने जो है ना इवेंचुअली और वो आउटलायर्स जनरली मैं बात करता हूँ ना यहाँ पर पॉडकास्ट के ऊपर पीपल मिले हुआ आउटलायर्स जनरली वो हैं जिनको इंटरनेट मिल गया yeah. तो उन्होंने पेरेंट्स से लड़ लड़ने के बाद फिर उन्होंने ऑनलाइन जाकर बाहर के लोगों से सीखा और सीखकर कुछ अपनाना शुरू किया जेन जी को मैं ये देखता हूँ कि बिकॉज दे ग्रो अप देव लिटरली ग्रोन अप विद द इंटरनेट

कि हमें हम लगते हैं ना जनरली सोसाइटी की बात करते हैं प्रॉब्लम्स की बात करते हैं पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम्स जो हमें नज़र आते हैं वो हैं ही लैक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर जिसमें हम कभी हम चल रहे होते हैं एक डायरेक्शन uh, में और वो प्रॉब्लमेटिक डायरेक्शन होती है कि हम चलते रहते हैं नोबडी सॉर्ट ऑफ लाइक कोई पॉज करके ये नहीं सोचता कि यार ये जो हम चल रहे हैं ये सही राह भी है या नहीं आई फील लाइक योर जनरेशन इज़ द फर्स्ट वन जो कि इन मैथ अब ये करना शुरू करेगी और वो अपनी सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन बदलेगी वड यू थिंक आई थिंक एक्चुअली मतलब ये चेंज आता जा रहा है एंड आई आई सी माई फ्रेंड्स आई सी पीपल अराउंड मी कि अब आई थिंक हमसे पिछली जनरेशन का एक इशू था मेजर और वो ये था कि वी थाट के सवाल करना बदतमीज़ी है ठीक hmm. है सो so, uh, मतलब आप थे आपसे पिछली जो जनरेशन थी अगर आपने उनसे कोई सवाल कर लिया और सवाल आपने ऐसे किया गया मुझे क्यूरियासिटी है क्या और ऐसे क्यों बिकॉज दिस डजेंट मेक सेंस टू मे वो चाहे रिलीजन हो या वो चाहे एजुकेशन uh, हो या वो सोशल एस्पेक्ट कोई भी हो सो uh -huh. so, उसमें ये हुआ कि यार सवाल किया तो इसका मतलब सो yeah, yeah, so, अब क्या हो रहा है कि आप लोगों को उसके थ्रू गुजरना पड़ा और फिर जो हुई वो हुई भाई ठीक है uh -huh. लेकिन क्योंकि आपको पता है कि यार हमें से गुजरना पड़ा और हमने बात फील कर ली थी तो अब माशाला सो yeah, yeah, so, so, मतलब कि आप अपने बच्चों के साथ यू वुड बी डिफरेंट क्योंकि आपको है कि यार नहीं आई आई प्रोबली कुरंट गेट द होल पिक्चर उस टाइम पे क्योंकि मुझे मौका नहीं दिया एंड यू नो मेरे ड्रीम्स मेरे एस्परेशन को दबाया गया था बट आई वॉन्ट मेक श्योर कि यार ये बच्चा जो है ना दैट ही ओकेट ऑफ मूवड अवे फ्राम द क्राउड के okay, you know, so sort of said, कि हमने इंजीनियरिंग या हमने ये चीज़ें नहीं करनी और हमने क्रिएटिव साइड एक्सप्लोर करनी है वन um, वे कि मैं अब कहूँगा यार मेरा बच्चा जो है वो भी क्रिएटिव करे क्योंकि मैंने हैक कर लिया ना yeah. मॉडल तो मेरे लिए कितना आसान है कि यार मैंने उसके लिए इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाई मैंने उसको बचपन से ग्रूम yeah. किया ग्रूम करके मैंने सात साल की उम्र में अपना नेटवर्क इस्तेमाल करके उसको एड्स yeah. you know, में डालना शुरू कर दिया एंड हीज अट सक्सेस इन फैक्ट लाइक वो मतलब होता है ना कि जो दो अगर माँ बाप दोनों सोशल मीडिया पर मशहूर हैं तो उनका बच्चा पैदा होता है साथ ही सलेब्रिटी बन जाती है एग्जैक्टली तो इट्स वेरी इजी टू डूट आई मीन सीमिंगली

शादियों में इंटरेस्ट होता है वो बड़ा एक वेल विशिंग नेचुरल है बट देखेन एक नई जिंदगी है ना और उसके फिर अपने लॉर्ड ऑफ वो आप उसको किस हद तक करेंगे एक काउंटर आर्ग्यूमेंट लोगों की आती है कि यार अच्छा अगर फॉर एग्जाम्पल यू हैव एबिलिटी टू टू मेक दैट पर्सन नो हाउ टू रिएक्ट इन पब्लिक प्लेसेज तो आप उसको शेल्टर कर करके वो एक स्किल है ना yeah. एक स्किल ये है कि हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ गो आउट इन पब्लिक एंड बी अ लीडर लीडर बी या तो डू यू टीच दैट स्किल और नॉट काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आती yeah. है कि यू नो दैट किड हैज़ टू लर्न इट लाइक हैज़ टू हैव द राइट

उन्होंने मतलब मैं ही इस तरह देखता हूँ कि बहुत से मिलेनियल्स हैं यस yes, मुझ जैसा मिलेनियल है जिसने सवाल किया और बहुत जल्दी कर लिया बिकॉज ऑफ एक्सेस टू द इंटरनेट एंड आई हैड लॉट ऑफ ओल्डर सिबलिंग एंड आई वाज लुकिंग एट देम एंड व्हाट दे वर डूइंग बट देन लॉट ऑफ मिलेनियल्स वर जस्ट लाइक अच्छा मामा पापा ने बोला चुप करके कर सुन लो yeah. और और सुना क्या क्योंकि मामा पापा ने कहा कि बेटा ये तुम डिग्री करनी है पहले तुमने स्कूल जाना है फिर ये करना है ये करना है और फिर ये डिग्री करनी है और सीन सेट होगा जिस दिन ग्रेजुएट हुए उस दिन पता फिर लगा फिर सीन तो सेट है ही नहीं ना एक दफा यूनिवर्सिटी चला जाओ फिर मजे फिर मजे <laughs> अच्छा और यूनिवर्सिटी जाने के बाद जब खप हो रही थी तो बेटा एक दफा ग्रेजुएट कर जाओ अपनी तनख्वाह होगी और मजे मैट्रिक से यही सुनते आ रहे हैं और मजे नहीं हुए क्योंकि द फैक्ट इज के अगर तो आपने किया क्योंकि आप करना चाहते थे तो आपने अपनी राह निकाल ली नब्बे फीसद तो लोग वो थे ही नहीं वो तो कर रहे थे क्योंकि माँ पापा ने कहा था क्योंकि वो कामरान साहब का लड़का सी कर रहा था तो उसका अच्छा काम हो गया तो तुम भी कर लो एंड दे ग्रेजुएटेड एंड दे रियलाइज के प्लेट में जॉब नहीं है yeah. uh, जो जॉब है भी वो इतनी हाई पेंग नहीं है yeah, that is, Uh, who've internalized, uh, uh, you know, this, this sort of concepts. Everything that you're told may not be, not be true. And I see a lot of people now at a, at a very, very young age, I mean, you're 21, Mashallah, so you're settled uh, in terms of what, what you want to do. Yeah, I saw this. Right? मैंने अपने ना, मीन किस तरह डाला And then he saw Junejo. Yeah, it's a cross exactly. It's a uh, cross of Ducky sense. and Junejo, and that's the beautiful metamorph metamorphosis. Yeah. Joe modern day Nikla, because Junejo is very cinematic and very classy. Yeah. And then Ducky is all like content, content, yeah. content. right? Yeah, exactly. And this kid mixed it and it's like content on steroids, yeah. but it's beautiful. And what yeah. he's gonna be when he's 21 and 28 and, yeah. and so on, it's just anybody's guess. But there are a lot of these kids now coming out. ये क्या थोड़ा सा मैं इस बात पर टच करूंगा जो हमने हमने पहले किया अर्ली आई थिंक जो यू पिक दिस पीपल आउट जिन्होंने मोस्टली अगर आप एक रेशो निकाल के देखें ये वो लोग हैं दैट स्टार्टेड अर्ली ठीक है एंड फ्रॉम अर्ली आई मीन क्या पाकिस्तान में थोड़ा सा एक डिफरेंट डायनामिक है हम पैसे कमाना शुरू करते हैं हमारी डिग्री के बाद ऑल दो काफ़ी कंट्रीज में काफ़ी कल्चर्स में ऐसा होता है कि आप डिग्री के साथ पैसे कमा रहे होते हैं टू मेक श्योर कि आप अपना खर्चा खुद पूरा कर रहे हो या एज मच एज यू कैन इसको पूरा कर रहे हो नाउ द थिंग इज आई एक्चुअली डोंट थिंक कि द फर्स्ट आइडिया यू गेट इन योर लाइफ इज गोइंग टू बी द बेस्ट आइडिया दैट यू गेट इन योर लाइफ चांसिस करैपिया ठीक है मेरा भी ऐसे ही था आई बिकॉज आपने क्या किया आपने देखा कि यार लेट से आपने खलीलुल्लह खान की यूट्यूब वीडियो देखी mm. आपने कहा यार ठीक है यार लड़का है बड़ा यंग से है बड़े पैसे भी कमा रहा है अपनी पसंद की डिग्री भी कर रहा है सारा यार ये तो बड़ी अच्छी लाइफ लग रही है uh. अब आप क्या कर रहे हैं आप इसशली खलील उल्लाह को मिरर करने की कोशिश कर रहे हैं बट यू आर नॉट खलीलुल्ल ठीक है सो वट कि मैं काफ़ी जल्दी शुरू हुआ ड द टाइम टू मेक माई मिस्टेक्स इशू ये है कि आपकी जनरेशन में बाई द टाइम यू डिस ना तो यू डेंट है क्योंकि आप ट्वेंटी फाइव ऐसे टापते हो एंड देन यू नोस्पानसिबल प्रेश इतनी ज्यादा चीजें एंड स्पेशली आई थिंक फॉर अ परसन हू इज एक्सपेक्टेड टू मेक मनी फॉर द फैमिली चाहते हुए या ना चाहते हुए

ये है कि यार मैं अपनी लाइफ क्या सेट करना चाह रहा एंड यू नो इसको कहाँ पे लगाना है ब्लॉग को कहाँ पे फ्री को, कहां पे लगाना? आ, आ, को कहां पे लगाना? ये सारे प्रेशर्स अभी से ही है एंड ये आपको प्रेशर पहले रियलाइज होता भी नहीं है you start money. Yeah. पहले ना आपको मैं जितना मर्जी कहता रहा हूँ यार ओ, लाक, लाक आपके जहन में लाख रुपए लाख रुपए कोई कोई क्वानिफाइबल वैल्यू नहीं है वैल्यू नहीं है आपने नहीं। अभी तक तो क्योंकि बनाए नहीं है वो पैसे सो so आपके जहन में थोड़ा सा डिफरेंट परस्पेक्टिव है ऑफ हाउ थिंग्स वर्क नाउ हैपन आपने एक आइडिया लेके चलना है आपने कहना है कि यार नहीं आई विल मेक माई ओन आइडेंटिटी ठीक है आप जाओगे आप एक गल, आप एक आइडिया लिखा आओगे वो गलत होगा ठीक है मैंने भी मैं एक आइडिया लिखा है बुक पब्लिश करनी थी नहीं हुआ ठीक है और उसके बाद मैंने अभी बीच में कई आइडिया स्किप किए हैं फॉर ग्रेविटी Yeah. ठीक है कई आइडिया बीच में आया भाई मैं फेसबुक पेज बना लेता हूँ वहां पे लोग आके मुझे राइटिंग का काम देंगे बिल्कुल फ्लॉप आइडिया अच्छा मैं वेबसाइट बना लेता हूँ मेरी वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी वो स्किल्स ही नहीं थी कि मैं एक वेबसाइट बना सकता कम्पलीटली फ्लॉप आईडिया एंड देन यू मेक यूर मिस्टेक्स एंड रीच अ पॉइंट जहाँ पे शायद आपने जब वो चीज़ ट्राई की हो तो आपके लिए वो फ्लॉप हुआ और आप कही जाए यार खलील ना करी uh. मैंने आजमा लिया वह यार खलील ये या, ना करी बट uh. You need to be able to make your own mistakes and find your way. अब people who are starting early ना and people who are starting late they not and there's this social clock that's running and running and running and you're always trying to catch up with it and when you're trying to catch up I think that's where your life start starts getting a bit hard. सबसे ज़्यादा अपनी life enjoy करता हूँ वही and yeah. even like my father keeps saying this as well. कि बेटा यू आर वेरी लकी कि आप उस क्लॉक से आगे भाग रहे हो ठीक है सो से एवरी थिंग यू नो मैसेज आप और लेट से अल्लाह ना करे ये जीरो हो भी जाता है ना यूंटली बट ये अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होती ना ये मेच्योरिटी होती है सो आई थिंक पैसे uh, या पैसे हम जनरली को रिलेट करते हैं इस तरह बट इवन पैशन और ये सब कुछ ये ये चीज़ें होती हैं जो आपको कर करके आती है ना द इशू दैट आई हैव इज़ के जो मिलेनियल्स सॉरी uh, जो जेन जी मुझे मेरे मेरे ही दोस्त और क्लास फेलोज वगैरह जो मिलते हैं ना उनके आइडियाज़ में सुनता हूँ ना तो राइट ऑफ द बैटम का आइडिया सुनता है यार दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया बट आई डोंट डॉट टू से इट क्योंकि फिर वो होता है ना कि कई दफ़ा बंदे को लगता है अच्छा यार तू अब बड़ा यूट्यूबर हो गया है तो अच्छा लकड़ आ गई है So इससे कुछ खास मतलब क्या पांच हज़ार का नुकसान हो जाएगा इन द लार्जर स्कोपीम उसको नहीं ना, ना, ना। ये भी चीज़ होती है ना कि आपको, आपको नजर आ जाता है कि यार अच्छा ये जो अगला बंदा जो आइडिया दे रहा है ना मैं ये नहीं करूँगा या yeah. लेकिन इसके लिए करना है ताकि yeah. ये करके अगले स्टेप तक पहुंच सके uh, अगले स्टेप तक दैट्स दैट्स समथिंग दैट माय फादर सेज एज वेल बिकॉज मेरा आई स्टार्टेड वेरी अर्ली तो मतलब मेरा भाई अब अब जाके माशाल्लाह वो भी ही स्टार्टिंग ही स्टार्टेड टू अर्न और वो भी यही फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग मतलब मुझे देख के उसने शुरू की सो उसने भी पहले ही ट्राई डूइंग अदर थिंग्स जो उसको लगा ठीक है एंड मी एंड माई फादर वी यूज़ टू टॉक अबाउट इट एंड वी यूज़ टू से यार ये आइडिया जो है ये नहीं चलने वाला ये बिकॉज यू नो फाइनेंशली वायबल नहीं है ये प्रैक्टिकल hmm. नहीं है बट अगर आप उसको ये कहोगे ना के बेटे हालांकि in yeah. यार ये नहीं चलना भाई उसको लगेगा यार ये चल जाना था पता क्या ये ख़लील ना ये हाँ. आ, ये इसका काम चला चलाना तो, तो हाँ. इसने अपना काम चला लिया ठीक हाँ. है और अब ये आके मेरे काम पे वो कर रहा है exactly. और वो और वो मसला उसमें ये, ये आ जाता है कि अगेन ट बी डूइंग द सेम थिंग बिकॉज पेरेंट्स वेल बिकॉजिवली जो पुरानी जनरेश उन्होंने एक मॉडल अपनाया था कि बी ए करके कहीं निकल गए कुछ और उन्होंने सी ए कर लिया कुछ कर लिया तो वो आपको दही घुमाते रहते थे या वो अपने किसी लेफ्ट राइट कजन शजन को देखते थे कहते थे वो इंजीनियर लग गया तो उसका अच्छा काम निकल गया वट दे डोंट रियलाइज इज के फॉर एग्जाम्पल हुट टेन ईयर अगो दैट समन कैन मेक अ करियर आउट ऑफ फ्री लांसिंगट समन को मेक अ करियर आउट ऑफ यू ट्यूबिंग फॉर एग्जाम्पल एंड इफ़ इफ आई टू और मैं आज भी बताता हूँ मैंने जब दो हज़ार सोलह में जॉब की थी और मैंने दो हज़ार अठारह में जॉब छोड़ी तो मैंने बहुत सारे अपने फैमिली के बड़ों को बताया नॉट माई इमीडियट फैमिली बट बड़ों को बताया और उन्होंने मुझे आगे कहा कि यार क्या कह रहे हो क्या कर रहे हो भाई लाइक दिस वज आफ्टर एंड दिस इज टू थाउजेंड एटीन राइट सो टू थाउजेंड एंड एटी आई हैड ओवर फोर हंड्रेड मिलियन व्यूज़

मुझे 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 बड़ी बुरी लगती है मुझे बड़ी चुपती भी है कि यार हवाई रोजी उसकी थी आई एम एम जस्ट ब्रिंगिंग फैट्स टू द टेबल हवाई रोजी उसकी थी जिस बेचारे कोविड में ले ऑफ़ किया गया या हवाई रोजी उसकी थी

लाइक यूर डूंग एवरी थिंग राइट हाउ मैंटली टॉर्चरिंग इज दिस था कि यूर डूंग एवरी थिंग राइट और यूर स्टेड बींग लेड ऑफ या एग्जैक्टली सो आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो जो हमसे पिछली जनरेशन ने क्योंकि एक्सपीरियंस की नहीं uh, और उन्होंने देखी भी नहीं सो so इवन अभी भी बहुत से मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि सुनते हैं और मतलब उनका इफ आई टेल दम वोट आई डू लाइक हाँ ठीक है माशा बेटा बहुत अच्छा काम है ये वो बट लेकिन स्पेशलाइजेशन क्या करोगे हाँ, स्पेशलाइजेशन <laughs> क्या करोगे या yeah, मतलब कि दे वो मुंह मुंह पे तो कह देते हैं हाँ ठीक है ठीक है बट दे डोंट एक्चुअली बिलीव इन इट वो है ना वो कोविड वाला ही के मतलब कोविड है हाँ सब मानते हैं बट लाइक ट्रूली कितने लोग हैं जो कि एक्चुअली इस हिसाब से एक्ट कर रहे हैं उस हिसाब uh. से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं थिंक हमें हो सकता है वेरी वेरी फ्यू सो ये yeah. हिसाब है कि है ठीक है एग्जिस्ट करती है बट नहीं है नहीं आई थिंक वही वाली बात है कि देर फार एन फ्यू सच पीपल अगेन मैंने जिस तरह कहा जेंसी के अंदर क्रिटिकल थिंकर डेफिनेटली ज्यादा हैं 100 परसेंट uh, बट उसमें से कितने क्रिटिकल थिंकर जो हैं वो एक्चुअली वो रिस्क लेंगे yeah. या यहाँ पर एलिमेंट ऑफ रिस्क आ जाता है कि yeah. आपने कहा कि जी मैंने मैं, मैं रिस्क लेता हूँ और मैं एक नई चीज करता हूँ या मैं सॉर्ट ऑफ एम बी बी भी कर रहा हूँ लेकिन मैं yeah. अपने एक्स्ट्रा टाइम में ये ऑल्टरनेट करियर भी प्रसूट कर रहा हूँ और मैं फिर बाद में मेरे पास अपॉर्चुनिटी होगी मैं डिसाइड करूँ कि आई कैन हॉप और वट वो रिस्क अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा लोग नहीं ले पाते और फिर जो लोग वो रिस्क लेते हैं एट एंड ऑफ द डे वही फिर इवेंचुअली जाकर यू नो दे देंड ऑफ बे कमिंग जिसे कहते हैं ब्रांड नेम और सम वन जो के मूवर्स और शेकर्स ऑफ द सोसाइटी बनते हैं बट इट्स एन आवर एंड टेन मिनट्स खलील एक्सीलेंट एक्सीलेंट कॉम्पिटिशन मेरा उन्हें दिल जा रहा है कि दस पंद्रह मिनट और जयर आई नो के ऑडियंस के लिए दे टायर्ड नाउ बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड दिस वॉज एक्सट्रीमली इंसाइटफुल यूर यूर रिमार्केबल यू नो i a young man, kahunga, but that make me sound old. <laughs> 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 so, so you're a remarkable gentleman. And uh, I hope we can have another conversation soon enough whenever you're visiting Islamabad next. Um, yeah, thank you so much. Yeah. Thank you so much, Ms. for uh, having me. Yeah, absolutely. And for all of you guys, uh, if you're watching still, <laughs> तो अगर आप हरी प्लेटफॉर्म पर तो सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आने वाले एपिसोड्स के आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू अगर आप यूट्यूब के ऊपर हैं लाइक का बटन दबाएं तो इंगेजमेंट बढ़ती है उससे लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचती है तो इज गुड एज वेल इसी के साथ साथ माई ने दस वॉट थैंक थैंक यू सो मच द नेक्स्ट वन